नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी खातों में आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 12 फरवरी 2020 के लिए मैंने इक्विटी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी फ्यूचर्स का बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों बाई लेवल एंड सेल लेवल रहता है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकता है। और 100 DMA स्ट्रेटेजी इंसर्ट डबार्ट NNR4 NNR7 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन जरूर रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैं रेगुलर बेसिस पर देता हूँ वो भी मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स हैं जो भी आप लोग लाइक आर्बिट्रेज पेयर ट्रेडिंग हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स और वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वीडियो ये बाइसेल सिग्नल कम स्किनर में क्या क्या है और कैसे स्किनिंग करना है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसे इसको एंट्री लेता है वो भी वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग को ये फाइल समझने के लिए सुविधा हो जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। ये सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का इसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा ताकि आप लोग को इसका इफेक्टिवनेस क्या है और क्या क्या मिलेगा, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सब वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने बाइसेल लेवल 1 को दिखाता हूँ पहले। यह है बाइसेल लेवल 1, आप लोग देख सकता है इसका बड़ा खड़ा हो इसीलिए इधर देख रहा है बाई लेवल एंड सेल लेवल 1। तो इसमें टारगेट बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाया तरफ रहता है, टारगेट 12 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ रहता है। सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाया तरफ रहता है, टारगेट 12 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ रहता है। और स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद इसका गैप अप और गैप डाउन आप लोग को कंसीडर कर लेना है। आप लोग परफॉर्मेंस वाला वीडियोज देखिए, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग को बाइसेल लेवल 2 दिखाता हूँ, यह है बाइसेल लेवल 2। इसके बाद बाइसेल लेवल 3 दिखाऊंगा, यह है बाइसेल लेवल 3। इसका R1 बीच में है, सॉरी R1 इसका बाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है। और इसका ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। ये इसका ये देख के भी आप लोग बाइसेल कर सकता है। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड कम पे आएगा, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का भी आप लोग एंट्री पॉइंट हो सकता है। बाई लेवल का बाई लेवल और सेल लेवल का टीरन लेवल का, ये जो टीरन लेवल है इसका टॉप लाइन मिडिल लाइन और बॉटम लाइन भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा, वो भी बाई सेल लेवल दिखाऊंगा, पिवट पॉइंट दिखाऊंगा। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर सकता है। फ्यूचर्स और इंडेक्स दोनों का ही है, ये फ्यूचर्स है और इंडेक्स है। इसका आप लोग को स्टॉक मार्केट में मॉनिटर करने का मूवमेंट मॉनिटर करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बाइसेल लेवल 1, ये बाइसेल लेवल 2 और इसका बाइसेल लेवल 3, यह बाइसेल लेवल 3। इसका स्टैंडर्ड पॉइंट पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकता है, जो भी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और टीरन लेवल, इसके बाद कमोडिटी का दिखाऊंगा, कमोडिटी का बाय लेवल सेल लेवल 1। ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है, मेरे को फीडबैक दे सकता है और क्या कैसे ये आप लोग का कुछ प्रॉब्लम आए तो कुछ क्वेरीज आए तो आप लोग पूछ सकता है। इसके बाद कुछ फ्यूचर्स का आप लोग को दिखा देता हूँ, ये फ्यूचर्स का कुछ बाई लेवल सेल लेवल दिखा देता हूँ। सॉरी कमोडिटी का और कुछ बाकी रह गया, मैंने जल्दी चला दिया देता हूँ, अब लोग वॉच करके देख ले सकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ फीचर्स का दिखा देता हूँ, ये भी आप लोग नोट कर सकता है।
और ये इसका वाई सेल लेवल 1 ही दिखाया। इसके बाद 100 डे यूएन का स्ट्रेटेजी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जो आज का कैंडल को जिस जिस स्टॉक्स में जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है और उसका हाई लो जब कल तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो इधर देखिए गेल को काट किया है, आप लोग को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गेल को काट किया तो इसका जब हाई या लो ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है। और इसके बाद सोच लीजिए लैंडमार्क आप लोग भी खुद दिखाते हैं देख सकते हैं, ये आप लोग ऑनली स्टॉक्स में नोट कर सकते हैं क्योंकि चार्ट में दिखाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम जाता है। गेल दिखा दिया गेल, इसके बाद आईसीआई पोटेंशियल लाइफ, इसके बाद इन्फर्टिल आप लोग चेक कर सकता है। मैंने इसके बाद इंसेंट दबार दिखाता हूँ, इंसेंट दबार NR4 NR7 दिखाता हूँ। इधर देखिए अदानी एंड में NR4 NR7 हुआ है। NR4 और NR7 का केस में करंट जो कैंडल है मतलब आज का जो कैंडल है उसका हाई लो ब्रेक करना है। ये प्रीवियस NR4 NR7 के आज का कैंडल छोड़ के पिछले 6 कैंडल का जो हाई लो का रेंज है, आज का कैंडल का लो रेंज सबसे कम होता है। तो आज का कैंडल जब ब्रेक हाई लो ब्रेक होगा कल तो ये अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। NR4 का केस में अगला 3 कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है उसका सबसे ज़्यादा सबसे कम है ये अदानी एंड में। देखिए इसका ये जब हाई लो ब्रेक जब हाई लो आज का हाई लो जब ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ये अगला तीन कैंडल या अगला 6 कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है और आज का जो हाई लो का डिफरेंस है ये कॉम्प्रेस्ड हो गया मतलब इसीलिए अब लोग ये इसका अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और इसके बाद अदानी पावर में हुआ है NR4 NR7 वन डे का इंसेंट दबार हुआ है, और फार्मा में उसका NR4 भी हुआ है। और फार्मा में देखिए वन डे का ये जो अगला दिन का कैंडल है और ये आज का कैंडल ये अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया मतलब हाई लो का अंदर रहेगा तो इसका अगला दिन का कैंडल का हाई लो जब तोड़ेगा तो मिल सकता है। आप लोग चार्ट पे भी आप लोग को ये हाई लो मिल जाएगा, नहीं तो मेरा इधर फाइल में मिलता है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर लिख सकता है। बाजाज ऑटो में हुआ है ईशर्ट दफर वन डे का, ये सबसे नफर हुआ है। बैंक बड़ौदा में हुआ है, बाटा इंडिया में हुआ है और ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। उसके बाद आप लोग को और दूसरा कुछ दिखाने कोशिश करता हूँ। अदानी एंड में ये हाई लोस 3 दिन से हाई लोस है, ये हाई लोस 3 डेज, इसको 3 व्हाइट शोल्डर बोलता है। अदानी एंड में आप लोग देख सकते हैं अदानी एंड देखिए लगभग 3 दिन से ये हाई लोस बना है और 3 बुलिश कैंडल, इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और इसका अदानी एंड हुआ है, इसमें अपोलो हॉस्पिटल में हुआ है और इधर ACC में लोअर हाई लोअर लोस बना है लगातार 3 दिन से। तो देखिए आप लोग ये लोअर लोस बनता है, इसका जब लो ब्रेक करेगा तो और भी नीचे जाएगा। और इधर बजाज फिनंस में हाई लोस बना है, बेल में लोअर लोस बना है, भारत फॉर्ज में लोअर लोस बना है, अच्छा दोजी डा का बना है बेल में इधर। और क्या दिखाना है, और भी बहुत सारा कैंडल स्टिक बनता है, ये आप लोग चेक कर मतलब दिखाओ सब। तो बजाज फिनंस में इन्वर्टेड हैमर हुआ है, ये सब बहुत ही अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि ये प्राइस एक्शन दिखाता है। 3 बटेड हैमर हुआ है।